मिनट, क्या है वो? यहाँ पे एक चौकी है सामने, उस पे चढ़ के मैं आपको दिखाऊंगी कि व्यू क्या है। ये जगह इतनी ज्यादा सुंदर है। वेलकम टू लाइफ विद मयूरा। तो फाइनली रायसेन के किले से हम लोग निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं सतधारा की तरफ। ओ, बाय द वे, जिन लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है, मैं आई बटन पे आपको लिंक दे रही हूँ, जल्दी जल्दी देख के वापस आ जाओ। खाना खाया तुम लोगों ने? लो इधर आओ, आजा। लो। अच्छा सुनो, बाय तो कर दो व्लॉग को, उनको भी बोलो, दूसरे वाले को बाय। तो किले से उतरने के बाद बहुत खतरनाक वाली थकान हुई और लिटरली पैर में गोले पड़ गए थे। पता है, जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना, तो मुझे लगता है ये सीन हटा दो, ये सीन हटा दो, पर कुछ ऐसे नज़ारे होते हैं कि लगता है ये हटाऊंगी तो मेरे व्यूअर्स के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। मॉन्स्टर 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 पी लो, जो भी मिले हल्की सी, क्योंकि एनर्जी तो आप अपनी बॉडियों को लग रही है। जाओ, जाओ नहीं, ले लो ले लो। अरे भाई ले लो यार, जाओ, वो लाल वाली स्टिंग ले लो, स्टिंग में तो तेल के शुगर होती है सर। यार बेचारे को अपन शुगर ही शुगर पिलाते, वो एकदम रेडी बैठा था। लोग अभी जा रहे हैं सतधारा। वी डोंट हैव एनी आइडिया कि सतधारा एक्चुअली में अभी डेवलप हो गया है, नहीं हुआ है, रोड है भी कि नहीं है, बट हम तो भाई एक ऑपरेशन पे निकले हुए हैं और इसको पूरा करेंगे और आप लोगों को आखिरी तक साथ ले जाएंगे और दिखाएंगे कि मतलब कैसा है। आप लोग आ सकते हो कि नहीं आ सकते? सतधारा जाने के लिए हम लोगों ने मेन रोड से जो टर्न अंदर जाती है वो ले ली है और यहाँ से अप्रोक्स 7 किलोमीटर्स है और ये पूरा गांव का एरिया है। बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रीनरी है चारों तरफ, छोटा छोटा रोड है। अगर आगे से कोई गाड़ी आ गई तो एक गाड़ी को रुकना पड़ेगा। इस पानी में ज्यादा स्विमिंग करने की जिद करी ना, मैं आपको पता नहीं है इसमें ऐसी ऐसी जगह फंगस लगेगा ना, पता नहीं चलेगा, समझे मेरे भाई? नहीं, लेकिन पता नहीं, है नहीं, ये फंगस के लिए बेस्ट। इसमें पानी में मतलब लोगों की टॉयलेट पॉटी अब से दिक्कत नहीं है। यहाँ पे खेत में ना जितने भी फर्टिलाइजर हैं सब इसमें पाए जाएंगे। ग्रीन कलर देख रहे हो ना आप, ग्रीन कलर बन रहा है दोस्तों। ये जो ग्रीन कनेक्टेड रहते हैं ना, ये जितना भी खेत, ये जितना भी लैंड है, ये है किसी न किसी का मतलब। भाई ये सीधी सी बात है, ये जगह ऐसी है, यहाँ फेफड़ा मतलब फैला के सांस लो और अंदर सीधा सीधा। ये जो है ना टोटल, नहीं मतलब यहाँ तो आ ही गए, बट इट्स अ ब्यूटीफुल जंगल ना। लोग जाते हैं ना, नहीं यहाँ से गाड़ी मुझे लग रहा है देख 300 मीटर्स पे, 100 मीटर ही है, थोड़ा सा चलेंगे पहुंच जाएंगे। तो यानी सीधे सीधे आप लोग आओगे गाइस तो लेफ्ट टर्न पड़ेगी आपको, है ना? पहुंच ही गए अपन, थोड़ा आगे और सामने सोना। एंड वी डोंट नो कि गाड़ी जाती है कि नहीं, बट ये रोड पे चक्के के निशान है, टू व्हीलर के हैं लेकिन। तो सारी रिस्क जो है आप लोगों के लिए मैं उठाऊंगी ताकि आप लोग बाद में आराम से आ सको यहाँ पे। वाओ कितना सुंदर है ये जगह। अच्छा हाँ, आगे वो कुछ है ना, गेट है, गेट है, बट इट इज सो अंडर डेवलप्ड इजंट इट? दे शुड डू समथिंग फॉर इट, लाइक स्टॉल्स एंड ऑल कुछ इसका करो इसका। अरे इट्स लॉक्ड, लेट्स गो अप एंड सी वंस, यहाँ पे ऊपर चल के देखते हैं क्योंकि ये लॉक्ड है। गाइस अब उतर के देखते हैं अपन की क्या व्यवस्था है यहाँ पे। जगह तो मतलब ऐसी सुंदर है, ऐसी सुंदर है, लेकिन लेकिन ये लॉक्ड क्यों है यार? बट वी डोंट नो अंदर कुछ जानवर नो। पहले तो अपन ये चौकी पे चढ़ के देखेंगे कि ये चौकी पे है क्या। गाइज इट्स वेरी अपसेटिंग टू सी कि इतनी अच्छी जो सुंदर जगह है वहां पे इतनी दूर से हम आए हैं एंड इट इज लॉक्ड, ताला है यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ का कुछ इतना यू नो संरक्षण किया हुआ नहीं है। और बट यहाँ वहां, यहाँ पे एक चौकी है सामने, उस पे चढ़ के मैं आपको दिखाऊंगी कि व्यू क्या है। ये जगह इतनी ज्यादा सुंदर है पर यहाँ डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है। मैं खड़ी हूँ सतधारा पे। गाइज ये है चौकी और ये बिल्कुल जंगल के अंदर है। मैं आपको कोशिश कर रही हूँ दिखाने की कि बिल्कुल ये जंगल के एकदम
बीचों बीच है और यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। तो ऊपर चल के देखते हैं अब कि भाई सीन क्या है यहाँ पे। गाइज अभी मुझे पता चला है कि हम एक्चुअली गलत जगह पे खड़े हैं। ये जो है ये कैंपिंग एरिया है यहाँ पे, जहाँ पे लोग कैंप वगैरह करते हैं, बट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ जंगल है, दूर दूर तक कोई नहीं है जिससे पूछ सके। और जो सतधारा है 4 या 5 किलोमीटर्स दूर है। मैं आपको कोशिश करती हूँ कैमरे से दिखाने की। ये देखिए, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये है सतधारा। यहाँ से लेके सतधारा तक का सफर मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सफर। मैं आपको लेके चलूंगी मेरे साथ यहाँ से लेके सतधारा। बस आपको देना होगा मेरा साथ, मुझे सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत। सतधारा पहुँच के जो मैंने देखा, मेरे दिल को इतना सुकून मिला। इतने सुंदर नजारे थे वहाँ, मैंने वहाँ पीकॉक्स देखे अपनी आंखों के सामने। यकीन ही नहीं हुआ कि ये जगह मध्य प्रदेश में है और वो भी मेरे घर से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पे। वैसे तो आपसे वादा किया था कि 3 पार्ट्स में पूरी जर्नी डालूंगी, लेकिन जर्नी इतनी खूबसूरत और इतनी लंबी थी कि सिर्फ 3 पार्ट में उसको समेट पाना नामुमकिन था। बस थोड़ा सा इंतजार।